भाई देखा, इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी और से नफरत हो ना हो, लेकिन रणविजय भाई से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। रिसेंट अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं गौतम और प्रिंस की लड़ाई के बीच की, जिन्हें देखकर भाई मैं खुद ऐसा हो गया कि यार ये आदमी कितना ही तो क्यूट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हैं वो एक साइड ले रहे हैं, क्या तो गौतम की साइड से बोल रहे हैं, कुछ लोग प्रिंस की साइड से बोल रहे हैं, लेकिन रणविजय वॉज द वन जिन्होंने एक नई चीज दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई जिस सीजन में प्रिंस जीता था उस सीजन की हाईलाइट कौन था? प्रिंस और गुरमीत। और जो भी बंदा जीतता है या जितने भी रोडीज होते ना, उनके नाम से सीजन को याद करा जाता है कि भाई उसमें अरुण जीता था, उसमें प्रिंस जीत गया था, ऐसे करके हर एक सीजन के रूडीज के नाम याद हैं। लेकिन ये दोनों बेशक सही हो, कुछ भी हो इनके बीच, लेकिन इन्होंने ये सीजन अपना बना लिया है, जो कि बहुत गलत बात है। अब ये सीजन किसी को भी याद रहेगा तो याद नहीं रहेगा कि ये सीजन दिग्विजय के कारण याद है, पराक्रम के कारण याद है, पीहू के कारण याद है, प्रियंका के कारण याद है, ये श्वेत के कारण याद है। भाई ये याद है उन दोनों का झगड़ा हुआ था, और ये रोडित से छीनना, उनकी शाइन छीनना बहुत बुरी बात है। मेरी दोनों से तभी बात हो गई थी जब ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। बाकी मैं बता दूं, फिनाले फिनाले सब हो चुका है, वासु सीजन जीत चुका है रिया के गैंग में जाके। बाकी एक स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा क्या क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं। तब तक बाय बाय।